स्वामी को फॉलो करती है और बहुत इस बात की तकलीफ भी है कि आम आदमी पार्टी नहीं, कांग्रेस आम आदमी की पार्टी और वो केजरीवाल जी के एजेंडे को फॉलो करते हैं, दरबार लगाते हैं अपने मैनिफेस्टो बनाने के लिए। और अब क्योंकि नरेंद्र मोदी तो एक बड़े आइकॉन बनकर के उभरे हैं राजनीति में, तो उनका अनुसरण करना तो लाजमी उनके लिए जरूरी है ही। वैसे जिस तरह से लोकप्रियता बढ़ी है, अब कहां करीब 50% लोग प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं और राहुल बाबा तो उसमें 10 का आंकड़ा पार नहीं कर पाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको अकेला इसलिए प्रोजेक्ट किया जा रहा है, हो सकता है कुछ दिनों में राहुल गांधी कांग्रेस में अकेले रह जाए, सारी कांग्रेस पार्टी टूट करके बिखर जाए, इसीलिए उनको अकेले ही दिखा रहे थे। अब इनके साथ कोई नहीं रहेगा, कुछ इनके इर्द गिर्द थोड़े से लोग बने रहेंगे, बाकी जो ताकतवर लोग हैं वो कांग्रेस के डूबते हुए झाग से छलक करके कहीं तैर करके जो राजनीति में जिनका सिक्का चल रहा है उनके जहाज में सवार ना हो जाए। मैंने पहले भी इस बात को कहा था आज से 6 महीने पहले यही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि 100 से कम सीटों पर कांग्रेस मिल जाएगी, तब लोगों ने कहा बाबा तो ज्योतिषी हो गए। अब वो वही बात आप लोगों को सच दिख रही है। अब मैं और कह रहा हूं इस बार के चुनाव में राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों हारने वाले, और जिस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हारने वाला होता है उस पार्टी के साथ कोई खड़ा नहीं होता है। पार्टी हमेशा जीतने वालों के साथ खड़ी होती है। यूपीए के गठबंधन में जितने भी रहेंगे, मैंने पहले कहा था कि भैया वक्त से निकल जाओ इस जहाज से, नहीं तो ये तो डूबेंगे, तुमको भी लेके डूबेंगे। इसलिए शरद पवार जी को तो नुकसान हो रहा है, उनको समझ जाना चाहिए। यदि मुलायम सिंह जी को नुकसान हो रहा है, अरे आप समर्थन दे रहे हैं चाहे अंदर से दे रहे हैं या बाहर से दे रहे हैं, तो लोग आपको उन्हीं के साथ गिनेंगे ना। तो कांग्रेस का समर्थन देने वालों को और कांग्रेस का समर्थन देने वाला आम आदमी पार्टी दे दूंगी, लोग कांग्रेस की श्रेणी में ही रह रहे हैं। इससे जो है जो बचना चाहते हैं उनको कांग्रेस का समर्थन देने और लेने से बाहर जाना चाहिए, नहीं तो देश की जनता उनका भी बहिष्कार कर देगी। भाषा कई बार जरूर होती है लेकिन उस आक्रमणता में भी फूहड़ता नहीं होनी चाहिए। इस मार्च के योग महोत्सव के लिए जिसमें करीब 10 करोड़ से ज्यादा लोग एक साथ योग करेंगे, अभी आम आदमी पार्टी में तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ, उसमें बहुत भयंकर खेड़ा हुआ। वो ई कंपनी की उनका मेंबर बन गई, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी भी आपके मेंबर बन गए, अटल जी दाऊ वो भी उनका मेंबर बन गया। मुझे लगता है आम आदमी पार्टी नहीं बन पाई, ये कुछ समझ में नहीं आता अभी। लेकिन हम 23 मार्च को तो लोक महोत्सव कर रहे हैं, 10 करोड़ से ज्यादा लोग उसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और ये देश की आध्यात्मिक ताकत होगी। और इस योग महोत्सव के बाद देश एक आध्यात्मिक सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के साथ साथ एक समग्र परिवर्तन की ओर आगे बढ़ेगा, उसकी भी नींव डाली जाएगी। तो 23 मार्च को योग महोत्सव और उसके बाद तो 2014 के धर्मयुद्ध की तैयारी के लिए हमने भी कमर कसी ली है, हर एक प्रांत में हम जा रहे हैं। ये बीच में एक दो दिन अभी दिल्ली आना हुआ था, फिर अभी हमारे पूरा देश का दौरा जाएगा।